अल मंसूर ट्रस्ट द्वारा शंकर कैमूरी के सम्मान में विदाई समारोह आयोजन। दरभंगा अल मंसूर एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट शौकत अली हाउस पुरानी मुसफी के बैनर तले 31 जनवरी 2022 की शाम ऑल इंडिया रेडियो दरभंगा के कार्यक्रम कार्यकारी के पद से रिटायर होने वाले प्रसिद्ध कवि शंकर कैमूरी के सम्मान में सोमवार को एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अनवर अफाकी ने की। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों में डॉक्टर एहसान, पत्रकार फिरदौस अली, डॉक्टर इंतखाब हाशमी, डॉक्टर रिहान काजी, ट्रस्ट के सचिव मंसूर खुश्तर के हाथों जनाब शंकर कैमूर को शॉल, टोपी और मोमेंटो देकर उनका सम्मान किया गया। इस अवसर पर सभी प्रतिभागियों ने शंकर कैमूरी के जीवन और सेवाओं और उनके कार्यकाल पर प्रकाश डाला और उनके उज्जवल अस्तित्व के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर अनवर अफाकी ने कहा कि शंकर कैमूरी के व्यक्तित्व को परिचय की जरूरत नहीं है, उनकी गजलें और नातिया कलाम अक्सर पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। ट्रस्ट के सचिव डॉक्टर मंसूर खुश्तर ने कहा कि शंकर कैमूरी के गीत और नातिया कलाम लाखों दिलों को आकर्षित करते हैं, चेहरे पर मुस्कान का तोहफा देकर अपनों का स्वागत किया। मोहम्मद के जमीन पे इतने शैदाई के वक्त गिनते गिनते थक गई तारों की नाजुक उंगलियां है मोहम्मद के जमीन पे इतने शैदाई के बस एक शेर और की वक्त है वक्त है अब भी चलो दामन नबी का थाम लो। वरना कल महशर में होगी इतनी रुसवाई के बस वरना कल महशर वक्त है महशर में होगी इतनी रुसवाई के बस वरना कल महशर में होगी इतनी रुसवाई के बस है मोहम्मद के जमीन पे इतने शैदाई। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कौमी तंजीम न्यूज पेपर दरभंगा।